हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ न्यू एक्सपेरिमेंट जिसका एम है टू फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट की जो मेन अपरेटस है उसमें आता है करंट बैलेंस, जिसके अंदर एक शॉर्ट रोड है एंड एक यू शेप रोड है, इसके साथ अटैच एक मिरर है एंड दिस इज काउंटर पॉइस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई, जिसके अंदर एक वॉल्ट मीटर है 0 to 30 volt रेंज का, एक अमीटर है 0 to 20 ampere रेंज का। दिस इज़ वेट बैलेंस, एक मेजरिंग टेप, डायोड लेज़र, अडेप्टर, कनेक्टिंग वायर्स एंड मेजरिंग स्केल। नाउ काउंटर पॉइस की हेल्प से हम यू शेप रोड को इस तरीके से ऑसिलेट कराएंगे कि इसके ऑसिलेशन जो है वो मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड तक स्टे करें। जब ऑसिलेशन हमारे रुक जाएंगे उसके बाद हम लेज़र की जो रिफ्लेक्टेड इमेज हमारे स्केल के ऊपर है उसकी हाइट को डिनोट करेंगे और उसकी हाइट जो जिस भी डिस्टेंस के ऊपर होगी वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशन कहलाएगी। नाउ वी सी द कनेक्शन ऑफ दिस सेटअप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे यू शेप रोड के एक टर्मिनल से। देन यू शेप रोड का जो सेकेंड टर्मिनल है उसको कनेक्ट करेंगे शॉर्ट रोड के एक टर्मिनल से। देन जो सेकेंड टर्मिनल बचा हुआ है शॉर्ट रोड का उसको हम कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से। कनेक्शन को करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है शॉर्ट रोड और यू रोड में दोनों में सेम डायरेक्शन हो, ताकि हमारे दोनों के दोनों रोड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट हो। मेजरिंग टेप की हेल्प से हमें डायोड लेज़र को 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से सेट करना है कि इसकी इमेज हमें उस मिरर में मिले। देन स्केल को हमें सेम डिस्टेंस 1.5 मीटर पे रखना है इस तरीके से कि हमारी लेज़र की जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो हमें स्केल पे मिले। वेट पैरेंस से हम कोई भी एक वेट उठा के यू शेप रोड के ऊपर रखेंगे। जैसे वेट यू शेप रोड के ऊपर रखेंगे रोड जो है नीचे की तरफ ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी। देन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होगा और वो पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। देन करंट को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा जो लेज़र पॉइंट है वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजिशन पर पहुँच जाए। उस करंट को हम I1 नाम देंगे। अभी हमने जो करंट लिया I1 वो फॉरवर्ड बायस के लिए था। रिवर्स बायस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कनेक्शंस को इंटरचेंज करेंगे। देन हमारा पॉइंट डिस्टर्ब होगा, उसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू को वापस से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जिस करंट की वैल्यू पर ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा वो I2 कहलाएगा। अभी हमने I1 फॉरवर्ड बायस के लिए एंड I2 रिवर्स बायस के लिए है फॉर अ पर्टिकुलर वेट। सेम प्रोसीजर हम अलग अलग वेट के लिए अप्लाई करेंगे और I1 और I2 की वैल्यूज लेंगे। जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल में लिया गया है I1 अलग अलग वेट के लिए फॉर फॉरवर्ड बायस एंड I2 फॉर रिवर्स बायस फॉर डिफरेंट वेट, दोनों का मीन लेंगे एंड फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। इस तरीके से हम फाइनल कैलकुलेशंस करके परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकाल लेंगे।